हमने क्या देखे थे, फोटोशॉप स्टार्ट करना है ना, और फोटोशॉप स्टार्ट करके हमने बनाए थे न्यू फाइल। न्यू फाइल मतलब न्यू इमेज बोलेंगे, ठीक है। पेज मेकर में हम क्या बोलते थे, पब्लिकेशन, यहाँ बोलेंगे न्यू इमेज। तो न्यू इमेज बनाने का आएगा तो लिख लिख दोगे ना, है ना, ऐसे न्यू करके हम जो है डायलॉग बॉक्स आएगा, पूरी स्टेप्स बताना, डायलॉग बॉक्स बनाना है, उसके बाद इसको क्या क्या करना है वो नीचे समझा देना है, खत्म। यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट करना, वो देख लिया अपन ने, साइज की हाइट बिट आ जाएगी। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है 300, अगर आप चाहे तो कम ले सकते हैं। जैसे एग्जाम में, एग्जाम फॉर्म में फोटो फॉर्म भरते कि नहीं, फॉर्म अभी तक भरे नहीं होंगे, मैं बताऊंगा एक आध दिन, ठीक है। तो उसमें एक निश्चित साइज मांगता है कि आपको 100 KB के अंदर फोटो चाहिए, 50 KB के अंदर। तो ये जो साइज मतलब जो रेजोल्यूशन है ना, यहाँ देखो ध्यान से, जो हम इमेज बना रहे हैं उसका साइज देखो यहाँ ध्यान से क्या आ रहा है, 8.24 MB, यानी 8.5 MB के आसपास। अगर मान लो हम क्वालिटी घटाते हैं, सिंपल सी बात, कोई चीज़ की क्वालिटी घटेगी तो रेट कम हो जाता है, तो यहाँ हम क्वालिटी घटाएंगे तो MB कम हो जाएगी। देखो मान लो हम अगर करते हैं 200, तो देखो ध्यान से यहाँ देखो मतलब घट गई कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमको अगर MB या साइज घटाना है तो इसकी क्वालिटी को आप कम करते जाओ, देखो कम हो रहा है। तो इसमें हम मिनिमम 72 ले सकते हैं, तो देखो अभी 486 KB, यानी कि 1 MB से भी छोटा, आधी MB से भी छोटा हो गया। तो आप इसको ध्यान से देखना, कभी भी छोटा बड़ा करना तो इसको मेंटेन करना। चलो एक और चीज़ बताऊंगा मैं जिससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अभी हम कर देते हैं 300, और यहाँ हम जो है RGB। तो देखो ध्यान से देखो, RGB और एक CMYK, RGB जो होता है स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। स्क्रीन मतलब मॉनिटर स्क्रीन हो, टीवी स्क्रीन हो, प्रोजेक्टर स्क्रीन हो, मोबाइल स्क्रीन हो, कहीं भी हो, तो जहां भी आपको डिजिटल रूप में देखना उसके लिए कौन सा उपयोग होगा, RGB। ये कलर मॉडल है, कलर मॉडल मतलब जैसे हमारी फोटो को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के कलर लगते हैं कि नहीं, उसी प्रकार इमेज को दिखाने के लिए कलर लगते हैं, ठीक है। तो इस इमेज को दिखाने के लिए जो कलर होगा वो RGB, जो स्क्रीन पर दिखाएगा। अब स्क्रीन पर दिखाने में दम कम लगेगा, कम दम लगेगा मतलब देखो, जब आप प्रिंट करा के लाओगे तो आपको फटाफटा नजर आता है, वही चीज स्क्रीन पर कैसी दिखती है, अच्छी। तो मतलब स्क्रीन पर दिखाने में आपको कम लगेगा, और जब आप प्रिंट निकालोगे तो उसमें ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है CMYK के लिए। तो देखो दोनों में देखो, अभी अभी 300 ही, सारी चीज तो आप समझ गए, पर हम यहाँ पे अगर RGB लेते तो इसका साइज देखो आप 6.18, यानी 6.5 के आसपास, ठीक है। पर अगर वही चीज हम CMYK लेते हैं तो देखो, तो मतलब RGB जो है कम साइज लेगा और CMYK ज्यादा, समझ गए। तो हमको ज्यादातर कोशिश करना है कि हम जब स्क्रीन पे काम करें तो हमको RGB में काम करना, नहीं तो क्या होगा, अनावश्यक हमारा जो इमेज का साइज है वो बढ़ जाएगा और प्रोसेसिंग ज्यादा लेगा। तो इसलिए किस में काम करोगे, RGB, ठीक है। और एक ग्रे स्केल वगैरह होती है ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट आप लेते हैं, देखो इसका साइज सीधे सीधे कितना कम हो गया, मतलब जब आप कलर नहीं लोगे, सिंपल सी बात है ना, जैसे सब्जियां खरीदने अपन जाते हैं तो अब भी ताजी वाली लेके आएंगे तो क्या होगा, फुल रेट, और कल की बासी वाली लेंगे तो, और दो चार दिन बासी वाली लेंगे तो और कम, है ना। अब रहती है फ्रिज में तक रखे रखते अपन, तो सबसे बासी वाली समझ जाओ ग्रे स्केल, है ना, थोड़ी ताजी और सबसे ताजी, हाँ। तो RGB हमको लेना है, और ये भी कलर होते हैं भाई, देखो कौन से कलर, भटे लेते हैं अपन, कौन से कलर का ले रहे हैं, काला ले रहा है, बैंगनी, अब बैंगनी तो उसको बोलते जरूर है पर वो सफेद भी आ जाता है, देखो अपन पर्पल कलर बोलते कि नहीं, भटा कलर, तो भटा कलर अगर भटा कलर बोलेंगे तो भटा सफेद भी होता है, तो इसलिए भटा कलर ना बोलकर क्या बोला करो, पर्पल, ठीक है। क्योंकि भटा देखो कितनी प्रजाति, हाइब्रिड हो गए ना, GM टेक्नोलॉजीज है ना। तो यहाँ से अपन व्हाइट ले लेंगे, कौन सा जो इमेज आ रही है, व्हाइट इसलिए लेना है क्योंकि जब हम नया बनाते हैं तो हमको कलर वगैरह फिल नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हम हमारी मर्जी से करेंगे ना, हो सकता है पहले से कलर फिल हो जाए और हम चाहते हैं कि नहीं हमको वो कलर नहीं चाहिए, तो हम क्या लेंगे, व्हाइट, समझ गया पूरा डायलॉग को। चलो यहाँ से हमारे पास आ गया ब्लैंक एरिया, ब्लैंक एरिया मतलब जो इमेज है हमारी वो ब्लैंक आ गई। अब आप चाहे तो उसमें जो भी भरना है, कलर भरना, शेप भरना, टेक्स्ट लिखना, जो भी लाना सब ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काम करने का होता है टूल बॉक्स, क्या होता है, टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स से ही हम यहाँ बहुत सारे काम करते हैं, कुछ टूल बॉक्स की सहायता से कुछ बना सकते हैं, कुछ टूल्स की सहायता से उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई इमेज काली है तो उसको थोड़ा सा हम लाइटिंग वाइटिंग कर देते हैं, गोरा कर देते हैं, जैसे मोबाइल में देखें फिल्टर चला देते हैं, ब्यूटी फिल्टर, बहुत सारी चीज। तो यहाँ से ये जो टूल्स है वो काम भी करते हैं। तो देखो शुरू से एक बार मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले जो टूल है मार्क्यू टूल, मार्क्यू टूल का मतलब होता है मार्क करना, मार्क मतलब समझते कि नहीं, सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे अपने को फोटो बहुत बड़ी दी है, उस बहुत बड़ी फोटो में से कुछ भाग को सेलेक्ट करके उसको कॉपी करके ले जाना है, तो उसके लिए कौन सा उपयोग होगा, मार्क, मार्क को ही मार्क्यू टूल बोल दिया गया। अब मार्क आप एक ही प्रकार से करोगे तो अलग अलग कर सकते, गोल कर सकते हो, राउंडेड कर सकते हो, रेक्टेंगल कर सकते हो, एक लाइन है ना, खड़ी लाइन। तो यहाँ चार अंदर दी है, देखो रेक्टेंगल मतलब पूरा सर,
क्या किस में करोगे आप, चौकोन है ना, गोल मतलब इलिप्टिकल। एक सिंगल रो में करोगे तो मार्क्यू सिंगल रो दिया और एक मार्क्यू दिया है सिंगल कॉलम, ठीक है। चारों प्रकार से जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। अब हर एक टूल की एक शॉर्टकट की होती है, जैसे कीबोर्ड में देखो आपको अल्फाबेट नजर आ रहा है सिंगल सिंगल, इन अल्फाबेट को अगर एक क्लिक करते हो तो आप यहां से एक टूल को सिलेक्ट कर लोगे, तो इस टूल की शॉर्टकट की क्या होगी, एम। इसका मतलब हम कहीं पे भी रहें अगर हम एम की प्रेस करते हैं तो देखो आप वहां पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब ज्यादातर आपको कोशिश कहां से करना है, माउस से सिलेक्ट ना करो, यहीं से आप क्लिक किया करो, तो उससे आदत बनी रहेगी। दूसरा टूल है आपका कौन सा, मूव टूल, और मूव टूल सिंगल, सिंगल मतलब उसके अंदर देखो अंदर कोई ग्रुप नहीं है, जबकि इसके अंदर हमने क्लिक करके रखे थे तो ग्रुप मिल रहा था, जबकि इसके अंदर नहीं है तो मतलब सिंगल है। और उसकी शॉर्टकट की देखो वी, वी मतलब वैन, कौन सा वाला है, वैन वाला ही ना, ठीक है, व्हीकल वाला भी। और यहाँ सेकंड में आओगे आप देखो तो यहाँ पे लैसो टूल मिलेगा। अब लैसो टूल जो होता है देखो यहाँ से आपको साइज दिया रहेगा सेलेक्ट करने का, तो इतने साइज के अलावा कोई चीज सेलेक्ट कर सकते, मान लो आपको पूरी पिक्चर सेलेक्ट करना और पिक्चर ना तो रेक्टेंगल होती है ना तो सर्कल होती है। चलो मैं एक पिक्चर निकाल के बताता हूँ, हम एक पिक्चर कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेते क्योंकि अभी है नहीं, ठीक है। चलो कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन पसंद उसी को काटते हैं, बताओ बताओ, अभी काम करेंगे ना अपन, बताओ। चलो अल्लू अर्जुन है ना, सुने कि नहीं इसका नाम, हाँ पुष्पा सुने ही होंगे है ना, इसको कौन नहीं सुना है। चलो यहाँ से या फिर इसकी कोई अच्छी सी इमेज जो काटने लायक है, चलो ये। अब देखो इमेज डाउनलोड करते समय भी आपको ध्यान देना है कौन सी चीजें, देखो यहाँ नीचे कुछ दिख रहा होगा इनटू में, दिख रहा है, तो इसका मतलब ये साइज है, ये उसका हाइट और विड्थ दिख रहा है कितने पिक्सल में है, तो ये साइज भी आपका बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए ध्यान देना जब आप इमेज सर्च करते, कैसे सर्च करें देखो जरा, बना होगा सर्च करने पहला, देखो यहाँ गूगल खोलते बन जाएगा, ईमेल आईडी बनाना बता दिया हूँ मैंने इसके पहले है ना, तो हम यहाँ डालेंगे जो भी चीज हमको सर्च करना है, इस प्रकार से हमने डाले। और यहाँ से आपको देखो ऑल मतलब होता है उसकी इमेज भी, उसकी जितनी भी चीजें पूरी डिटेल दिख रही, पर सेकंड में दिया है इमेजेस, उससे संबंधित न्यूज है, उससे संबंधित वीडियो है, शॉपिंग है, आप उसको खरीदोगे थोड़ी, पर दे दिया उनने मीनू, ठीक है उसकी दिक्कत नहीं है। हमको जाना कहाँ पे है, इमेज में। इमेज में जब जाओगे तो इमेज में भी आपको इतनी इमेज तो दिख गई है, पर ये इमेज एक्यूरेट साइज की नहीं है, कोई छोटी कोई बड़ी कोई मीडियम कुछ भी दिख रही है। तो हमको जाना है टूल्स में, कहाँ जाना है, टूल्स में। टूल्स में जब जाओगे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको साइज, और साइज में आपको सेलेक्ट करना है लार्ज, मतलब फोटोशॉप में जब भी आप काम करोगे तो कौन सी इमेज में काम करोगे, लार्ज। पता चल रहा है वही पिक्सल फटे फटे आप प्रोड्यूस करके क्या निकालोगे, पूरा फटा फटा, यानी पिक्सल पूरे छितर बितर हो जाएंगे। तो आप देखो यहाँ से मान लो ये इसको निकालना, अब इसको क्लिक करेंगे अपन तो देखो यहाँ से साइज देखो जरा आ रहा है 1000 के आसपास है ना, और बड़ी देखते हैं अल्लू अर्जुन फुल फोटो HD, इस प्रकार भी सर्च कर सकते हो और टूल में जाकर एक बार देख लो कि फुल आई कि नहीं है ना, लार्ज। लार्ज में देखो अब यहाँ देख लेते अपन, चलो इसी को ले आते, नहीं आई बड़ी, 1000 के ऊपर आना चाहिए, आ रही है क्या, देखो आ गई है ना 1000 के ऊपर आ गई। तो इसको राइट क्लिक करना है और आपको करना है सेव, आ गया, पूरा खुलने देना पर उसको, वहीं पे फटाफट आ रहा है, फिर सेव करोगे छोटा सा जाएगा। अब इसको लोकेशन पता है ना आपको, लोकेशन हम यहाँ दे देते हैं इस प्रकार से, आ गई सेव हो गई। अब आपको ओपन करने के लिए दो तीन विधि होती है, कौन कौन सी, एक तो फाइल में जाकर ओपन कर लो, ये तो पता है कॉमन सी चीज, हम शुरुआत से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, हो गई ओपन। दूसरी चीज इसको क्लोज करो, यहाँ बीच में खाली जगह दिख रही है वाली, देखो ये तो इमेज का भाग हो गया, ये पैलेट्स का भाग हो गया टूल्स का, पर उसके अलावा जितनी भी भाग दिख रही है वो खाली है। खाली जगह में आप डबल क्लिक करो तो देखो ओपन का विकार्ड मतलब डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको यहाँ से फिर से ओपन कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने गूगल से डाउनलोड करे क्या, ये दिख रहा है, इस गूगल से डाउनलोड करे वाले पकड़ो, पकड़ो मतलब पकड़ लो, माउस में अभी भी हमने पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है, और इस फोटोशॉप के ऊपर लाकर बीच में कहीं भी छोड़ दो, नहीं वहां से उठाकर, जैसे मान लो किसी चुटैया पकड़ के हमने उठाए, मान लो अब उठा के उसको दूसरे कमरे तक ले जाना है तो क्या करोगे बताओ जरा आप, यहां से पकड़ के रखोगे और कब तक नहीं छोड़ोगे, दूसरे कमरे में न पहुंच जाए कि बीच में छोड़ दोगे, बीच में छोड़ देगे नाली में गिर जाएगा वो, तो इसलिए इसको उठाए हमने वहां से और लाकर कहां छोड़े हैं फोटोशॉप में। अगर आप टास्क बार में छोड़ देते तो खुलता कि वो नहीं, वो नाली में गिर जाता, तो समझ गए ना, तीन तरीके से हम ला सकते हैं। अब देखो ये फोटो आपको दिख रही है ना, तो गोल है ना रेक्टेंगल है कुछ नहीं है, जबकि देखो यहीं से आप घूम जाओगे इतना, देखो ये घूम रहे
कहीं से भी, तो इसको काटना है तो टेढ़ी खीर है, इसके माध्यम से बनेगा क्या? इसके माध्यम से तो आप ऐसा बस काट पाओगे, देखो ये देखो, अब बेचारा ये जो बैकग्राउंड बचा है ये कहाँ जाएगा? तो ये कैसा होना चाहिए? पूरा पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। तो अच्छा, ये अनसेलेक्ट करने के लिए भी एक तरीका है, जब आप सेलेक्ट करते हैं डीसेलेक्ट कर देना राइट क्लिक कर, है ना, ये सब में होता है। चलो अब इसको उपयोग करते हैं, इसमें तीन दिए, अब तीन में से आप कौन सा उपयोग करोगे? तो जूम मैंने बताया था, जूम का होता है बड़ा करना, देखो ये है ना। अब मान लो आपको इतना भाग जो है इसके किनारे किनारे ऐसा सेलेक्ट करना है, इतना, तो इस टूल से हो पाएगा संभव? इससे होगा, है ना। अब इसमें भी तीन दिए, किससे करेंगे? तो हम सबसे पहले उपयोग करते हैं लासो टूल का, नीचे भी और दो दिए हैं। जैसे हम लासो टूल उपयोग करते हैं, अब इसमें माउस को दबाकर रखना, एक बार क्लिक कर दिया छोड़ना नहीं, जैसे अभी अपन ने छोड़े नहीं थे। तो यहां से आप क्लिक करके रखोगे, किनारे किनारे भटकते जाओ, वो एक्यूरेट तो कटेगा नहीं, इससे बस एक आइडिया बना रहे हम कि इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। ये देखो रहता ना, जब किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो आपने देखे होंगे मूवी में, देखे कि नहीं, चौक से बना देते हैं ना कि उस बीच में कोई ना जाए, ताकि पोस्टमार्टम या जब जांच वगैरह हो तो दिक्कत ना हो, नहीं पता चल रहा है जिनने मर्डर नहीं किया उसके पैर के निशान वहां आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्या बना देते हैं, एक बाउंड्री सेट कर देते हैं। तो ये बन गया, देखो अब हम इससे सेलेक्ट ना करके हमने मर्जी से सेलेक्ट करे, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसको कॉपी करके हम कहीं ले जा सकते हैं, पर थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड आएगा। देखो कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, अब एक बैकग्राउंड निकालते हैं, इसको हम कोई दूसरे बैकग्राउंड में, अब यहां पे आपको फिर से वही इंटरनेट का उपयोग जरूरी है फोटोशॉप करते समय, है ना। अब कौन से बैकग्राउंड में लाना है, इसके लिए आप फिर से टूल में जाओ और यहां साइज क्या कर लो, लार्ज, ये जरूरी है, क्योंकि अल्लू अर्जुन बहुत बड़ा है और बैकग्राउंड दूसरा रहेगा तो मतलब नहीं निकलेगा ना, वो तो बाहर निकल जाएगा, तो हमको यहां रखना है, ठीक है। देखो जा रहे, ये भी 2000 है, मतलब काफी बड़ी है, इसको भी राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, सेव, सेव करके इसको भी कर दो आप, यहां लिख दो आप बैकग्राउंड वन, और इसको भी उठा के ले जा सकते, पर इसका जो एक्सटेंशन है वो गलत दिखा रहा है, देखो। अब देखो डायरेक्ट तरीका मैं बताता हूँ सुधारने का, सुधारने का तरीका क्या है, देखो ये बैकग्राउंड जो है नॉर्मली जो होता है डॉट जेपीजी, सुने होंगे आपने, जेपीजी इमेज होती है, जीआईएफ होती है, पीएनजी, वही खुलती है। तो हमको इसका एक्सटेंशन देखो ये हटा दो, देखते कोशिश करके इसका एक्सटेंशन कर दो जेपीईजी, एंटर करो, वो बोल रहा है चेंज करना चाहते हैं, देखो अब खुल रही कि नहीं, इमेज देखते हैं, नहीं उन्हें लिया नहीं, अब जबरदस्ती बदले हैं इसलिए लिया नहीं है, तो इससे अच्छा है कि दूसरी इमेज निकाल लो, ये इमेज का एक्सटेंशन दूसरा है ना, इसके लिए अपन दूसरी इमेज निकालते हैं, इसका एक्सटेंशन देखते हैं 10, हाँ 1000 से ऊपर ये भी। अब देखो ये प्रोसेस चल रही, नीचे दिख रही, ये पूरी हो जाती तभी राइट क्लिक करना, अब वो नेट के ऊपर है, कितनी देर में बंद होती है मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंग, कहीं तो चलते रहता, देखो अब इतनी देर थोड़ी लगती है, चलो दूसरी क्लिक कर लेते, हाँ ये हो गई है, पर ये अच्छी नहीं दिख रही इमेज, ये वाली ये छोटी है, चलो दूसरी ले आते, इसमें जाते, इसमें देखो हाँ ये खुल गई है, इसको राइट क्लिक करो और यहाँ से इसको सेव कर लेते, देखो ये जेपीजी इमेज, इसको उठाओ और फोटोशॉप में लाकर छोड़ दो, छोड़ दो तो वो आ गया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ ये वाला सेलेक्ट है हमारा, अब इसको जूम इन करना है तो अपन ने क्लिक करे थे सीधे, जूम आउट करना था, ये वाला माइनस का निशान क्लिक कर दो, देखो अब देखो इसको हम या तो एडिट मेनू से कॉपी कर लो या तो कंट्रोल सी कर लो, तो दोनों ही विधि से कंट्रोल सी करो या जो भी, यहाँ लाकर आपको पेस्ट करना आ गया। अब जो आउटसाइड का आया वो उसका क्या करेंगे, उसको हटाने का तरीका अपन बाद में देखेंगे, अभी इतना समझ में आया कि आ गया ना। चलो देखो फिर से और दूसरा काम करते हैं, इसको डिलीट करना तो मैंने बताया था, लेयर में जाकर आप लेयर को डिलीट कर सकते हो, मतलब अनावश्यक चीज आ गई है तो, ठीक है। चलो यहां से अब हम जो है दूसरे तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करके डिसलेक्ट करना बन जाएगा, है ना, शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में। तो पहला टूल समझ में आ गया, दूसरा टूल देखते हैं, दूसरा टूल जो होता है आपको बार बार क्लिक करने की जरूरत पड़ती है। देखो यहां से आप क्लिक करोगे, देखो आपको बताना पड़ेगा कहां कहां से आप घूम रहे हो, जैसे रहता ना अगर चाबी भर के गाड़ी छोड़ दिए तो वो सीधे रास्ता में बस चलेगी, और अगर स्टेयरिंग पकड़ा दिए तो वो कहीं भी रास्ता आ जाए कोई भी चले जाएगी वो, ठीक है। तो अब इसमें दिक्कत भी होती है कि देखो थोड़ा सा अपन दूसरी तरफ ध्यान दे दे तो वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं, ये देखो ठीक है ऐसा, मतलब आप देख लेना अच्छे से अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना, जितने अच्छे सफाई से काटोगे उतना अच्छा यहाँ पे वो
चलो इतने काट लेते हैं। अब देखो जहां से हमने शुरू किया तो वहां जाकर मिलाना पड़ेगा, जैसे ही मिलाए तो देखो फिर से वही काम हो गया। तो मतलब इसमें भी हम कॉपी करके और फिर से क्या कर सकते हैं, इसको ये देखो दो दो क्रॉस के निशान आ गए तो यहाँ लाकर आप पेस्ट कर दो, मतलब वो विधि से भी ला सकते हैं, दूसरी विधि से भी ला सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और दिया वहां पर, अब ये सब काम और बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ सारे टूल्स का, ताकि आप एक बार कर सको। नेक्स्ट क्या दिया है, मैग्नेटिक। मैग्नेट का मतलब समझते कि चुंबक यानी चिपक चलता है ना, अभी किससे चिपक चलेगा, लोहा तो है नहीं वहां पर, तो ये फोटो से चिपक चलता है। देखो ये चल रहा है, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, पर ये कभी कभी गलत भी सेलेक्ट कर लेता है, वो देखो अभी दिक्कत कर दिया उन्होंने। चलो जल्दी जल्दी, इसके लिए एक ही कलर मिलना चाहिए, जैसे रहता है ना कोई व्यक्ति दल बदलू रहते हैं, जिधर फायदा दिखा उधर भाग जाते रहते कि नहीं। तो इस टूल के साथ दिक्कत यह है कि इसको एक से अधिक कलर नहीं मिलना चाहिए, और एक से अधिक कलर मिले देखो वो कान आन सब काट देगा, है ना। तो ये कब काम आता है, ध्यान से पता चल गया ना कि जहां पे एक ही कलर रहेगा, है ना, यहाँ तो काम नहीं आ रहा। बस इसका काम है कि पिक्सल से सेलेक्ट होकर चलेगा किनारे किनारे, जैसे अपन देखते हैं ना कहीं किनारे में हम जा रहे हैं तो रेलिंग से पकड़ पकड़ के चलते हैं, और थोड़ा सा भटके तो गिरे, तो ऐसे ये भी जो है कुछ भी सिलेक्ट कर लेता अगर इसको एक कलर ना मिले तो, ठीक है। तो ये तीनों पता चल गया क्या काम करेंगे, अभी हम विस्तार से नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे। और ये तो पता आपको, इतना सिलेक्ट करे कॉपी करे यहाँ लाके पेस्ट करे, है ना। और वो राउंडेड वाला मतलब सर्कल वाला क्या करेगा, हाँ ये देखो ऐसी वाली फोटो कब लाते हैं हम, ज्यादा एड बनाते समय, ये माला चढ़ाते समय, है ना, दोनों तरीके से हो सकती है ना, माला चढ़ाते समय वैसे दिखती होगी आपको, और दूसरा एड बनते कि नहीं, छोटे छोटे बधाई संदेश देखे होंगे रास्ते में आते हैं आप, बधाई जन्मदिन की बहुत सारी, तो ऐसे गोल वाले रहते हैं, ठीक है। ले देख बधाई के लिए है, वो उस समय बधाई होती है पर उसको शोक संदेश में बदल देते हैं, और अभी भी बधाई होती है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब इसका काम क्या होता, देखो इसका काम होता है कहीं भी जैसे रहता नहीं, एक जगह क्लिक करे देखो, अभी क्या हुआ बताओ जरा, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आया, पर बैकग्राउंड पूरा क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहा, हाँ अब समझ गए, सिंगल कलर जहां भी मिलेगा वहां पे ये, हाँ जैसे उदाहरण के रूप में बम भी हम फेंकते हैं तो बम तो ऐसा नहीं करता, पर बम ऐसा वाला बनाओ कि यहाँ ऐसे लोग जो 20 साल से ऊपर के वो ही बस वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बम बनाया जाए तो क्या होगा, इसी की जैसा काम करेगा कि ऐसा, मतलब एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दी कि भाई ये कलर वाला पूरा सेलेक्ट हो जाए, या फिर देखो अपन नहीं देखो ये देखो एक कलर तो चेहरे में मिलेगा नहीं, अपने चेहरे में कौन सा कलर होता बता दे, कोई कलर नहीं होता, सब कलर का मिक्सचर होता है, ठीक है। जब हम यहाँ फोटो लाएंगे तो इसके कलर कम ज्यादा करके देखेंगे, रेड कम करेंगे तो क्या होगा, जैसे अपने चेहरे से अगर खून कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हरा हरा हो जाएगा हमारा शरीर, होगा कि नहीं, हरा नहीं नीला, नीला हो जाता है कि नहीं, जैसे क्या होता है जब सांप आप काट ले तो हमारा शरीर नीला होने लगता है, क्यों, क्योंकि ब्लड हमारा जहर बन जाता है, बनता है कि नहीं। तो लाल अगर खत्म हुआ तो नीला हो जाएगा, सिंपल सी बात, वैसे हम यहाँ देखेंगे। तो ये समझ में आया, इसको बोलते हैं मैजिक टूल, क्या बोलते हैं, मैजिक, मैजिक मतलब जादू, एक बार में पूरा सेलेक्ट। तो चारों समझ में आ गए। ये होता है क्रॉप टूल, क्रॉप मतलब जितना भाग आप सेलेक्ट करोगे और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करोगे सिर्फ उतना ही बचेगा, बाकी चला जाएगा। इन सब का स्पेशल उपयोग भी होता है, सिर्फ अपन अभी वैसे देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, स्लाइस टूल, HTML का उपयोग करे कि नहीं, अभी तक नहीं पढ़े, उसकी वीडियो देख देख के प्रैक्टिस भी करना है, नहीं तो वो एक सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, रिवीजन में बाद में देख लेंगे अपन। स्लाइस, ये जो ऑटोमेटिक, देखो स्लाइस का मतलब क्या होता है, सेब खाते कि नहीं, हाँ तो क्या कर, हाँ सिंपल सी बात है, वैसे ही नहीं छूटेंगे तो क्या करेंगे अपन, छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, स्लाइस। अब उससे काम क्या होता है, स्लाइस करने का मतलब क्या है, काम को आसान करना, अब पूरा सेब नहीं जाएगा तो क्या करते हैं हम, उसको छोटे छोटे भाग में काट के खा लेते हैं। तो ये पूरी इमेज अगर वेब पेज में अपलोड करना तो बेचारा वेब पेज तो 2 घंटे बाद खुलेगा, अभी देख रहे थे कितनी देर से वो घूम ही रहा था। तो इस इमेज को छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे, वहां देखेगी पूरी पर छोटे छोटे टुकड़े जाएंगे, जैसे आप बहुत बड़ा काम को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांट देते 10 लोगों में, तो क्या होता है, काम पूरा हुआ है पर कितने हिस्सों में हुआ वो नहीं दिखता, समझ गए। तो काम आसान किस में होगा, टुकड़े में कि फुल में, टुकड़े में। तो इस टूल का काम यही होता है कि इस इमेज के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए, जैसे मान लो इसका इतना टुकड़ा अपन ने बना दिए, ठीक है, इतना बना दिए,
ये देखो कितने भाग बन गए, चार। एक भाग और नीचे का बना दो, नहीं भी बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। अब जो इमेज खुलने में एक मिनट लगता था वो इमेज अब एक मिनट में नहीं खुलेगी, क्योंकि वो पांच टुकड़ों में डिवाइड हो गई, अब वो 20 सेकंड में खुल जाएगी। तो मतलब काम आसान हुआ कि नहीं, क्योंकि पांच जन ने काम करे हैं, ठीक है, एक ने काम नहीं करा है। तो इसको बोलते हैं स्लाइस करना। क्या क्या बोलते हैं इसे? स्लाइस करना। पर ये समझ में कहाँ आएगी? HTML में, ठीक है। तो अभी हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस ध्यान रखो किसी भी इमेज के छोटे छोटे भाग बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, स्लाइस टूल का। और एक और होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। स्लाइस सेलेक्ट का मतलब होता है जो भाग आपने सेलेक्ट करे उसको इधर उधर मूव कराना। देखो हो रहा है, ये देखो, मतलब जो भाग जैसे रहता है ना, पिताजी ने भाइयों मतलब अपने पांच बेटों के रूप में जो है बंटवारा कर दिए, अब दूसरे दिन क्या करना है, हेर फेर। तो क्या होगा, जिससे बंटवारा करे वो थोड़ी करेगा, उनने तो कर दिया, कौन आएगा दूसरा, नेक्स्ट व्यक्ति आएगा बोले नहीं इसका इधर से इधर खिसकाओ, इधर से इधर खिसकाओ। तो वो क्या होगा, स्लाइस सेलेक्ट टूल, है ना। तो स्लाइस जो भी किया गया उसको इधर से उधर करना किसका काम होता है, स्लाइस सेलेक्ट टूल का। एक और होता है हीलिंग ब्रश टूल और पेज टूल। इनका उपयोग अपन बाद में करेंगे, जैसे आपने देखा होगा पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं कि नहीं, दाग आग जो है, तिल। तो तिल तो अपन हटाते नहीं किसी के चेहरे जब अपन फोटो बनवाते हैं, तिल हटाते क्या, तिल पहचान होती है। तो क्या हटाएंगे, पिंपल्स जो टेम्परेरी रहते हैं, जो भी चीज टेम्परेरी है उसको अपन हटा देंगे और बोलेंगे हाँ साफ कर दो बकायदा, कि तिल हटवा दोगे। तिल हटवा दोगे तो बोलोगे जैसे एग्जाम फॉर्म भरते हैं और अपन बोल देते तिल है दाएं गाल में या फिर इधर, तो वहां से गायब कर दिए और फोटो में देखेंगे बोले तुमने तो यहाँ भरा है और तुम्हारे में है ही नहीं, तो फिर दिक्कत होगी कि नहीं। तो जो परमानेंट जो चिन्ह है वो नहीं हटता है, बाकी चीजें हट जाती है। तो ऐसी चीज हटाने के लिए हम उपयोग करेंगे हीलिंग ब्रश का, हीलिंग ब्रश और पेच टूल, और साथ में इसके ये भी है इरेजर टूल, नाम से स्पष्ट है, इरेजर मतलब इरेज करना। तो अपन ये जो सिलेक्ट किए गए ना, ये इनको सबको जो है हटाते हैं, कंट्रोल जेड एक ही बार होता है, पता है कि नहीं, हाँ। तो मल्टीपल टाइम कंट्रोल जेड भी होता है, जैसे देखो इरेजर का मतलब होता है, देखो ये इरेज हो रहा है, बैकग्राउंड इरेज हो रहा है। अब बैकग्राउंड इरेज हो रहा है इसका मतलब ये वाला जो छपा वाला है, बाकी वाइट तो आ रहा है ना दीदी, वाइट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उपयोग नहीं करे हैं बैकग्राउंड इरेजर। देखो बैकग्राउंड इरेजर का उपयोग अगर कर लेते हैं तो देखो ये बैकग्राउंड के साथ में, और जब बैकग्राउंड इरेज हो जाता है, जैसे मान लो हम यहाँ देखो टाइल्स होती कि नहीं, टाइल्स के ऊपर अपन ने बिछाया कारपेट, कारपेट को इरेज करे मतलब जो ऊपर वाला होता, और कारपेट के ऊपर भी और कुछ बिछा दो समझो, तो उसको इरेज करे फिर कारपेट देखे, कारपेट को भी इरेज करे टाइल्स दिख जाएगी, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड को मतलब जो ऊपर वाला कलर है उसको इरेज करेगा, और जो नीचे वाला है कौन सा वाला, बैकग्राउंड इरेजर, तो बैकग्राउंड इरेजर क्या करेगा, पूरा देखो नीचे धरती दिख जा रही टाइल्स वाली, ठीक है। अब ऐसे जो बॉक्स दिखते ना, ये मतलब होता है बिना बैकग्राउंड के, बैकग्राउंड बचा ही, ठीक है, जमीन बन गई वो तो, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, हमको छोटा छोटा भाग हट रहा, बड़ा हटाना तो पेंट ब्रश में करते थे ना, इरेज करने के लिए बड़ा सर्कल बना लेते थे। तो यहाँ पे देखो आप जो ब्रश दिया है इसमें जाओगे, देखो डायमीटर दिया है, इसको बड़ा कर लो, देखो आप समझ गए। तो मतलब कभी भी आपको छोटा भाग हटाना तो डायमीटर को छोटा कर लो, और बड़ा भाग हटाना तो डायमीटर को बड़ा कर लो, जहां भी हो, जहां भी ऐसे ऑप्शन आते हर जगह इसका उपयोग होगा। देखो यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, तो जहां जहां आ रहा मतलब डायमीटर वो काम करेगा, ठीक है। शॉर्टकट भी होती है, अभी सिर्फ आप मीनू से काम करना। चलो इरेजर जो होती है एक मैजिक इरेजर, मैजिक टूल देखे थे अभी, मैजिक इरेजर भी वही काम करेगा, पर ये सेलेक्ट नहीं करेगा, ये सेलेक्ट करके निपटा देगा, देखो दिख रहा है, एक कलर वाला भाग पूरा गायब कर देगा। तो एक कलर रहेगा तब आप इसका उपयोग करना, पता चल रहा है ऐसे कहीं क्लिक कर दिए, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए गलत जगह क्लिक नहीं करना, ठीक, एक कलर वाली जगह में बस क्लिक करोगे, ये देखो ठीक है, अच्छा लगता होगा परंतु अच्छा नहीं है ये, अभी अच्छा कब रहेगा, जब सिंगल कलर आएगा, ठीक है। सिंगल कलर वाली जगह में आप क्लिक कर सकते हो, देखो काफी मेहनत लग जा रही है, ठीक है। मैं इसके बाद एडवांस फोटोशॉप भी बताऊंगा जब अपना कंप्लीट हो जाएगा, वहां पर कुछ नहीं करना, सेलेक्ट बस कर दो, पूरा बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रहे एडवांस। अब वो मैं इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि आप सीखोगे नहीं फिर, क्योंकि क्या होगा, आसान चीज मिल जाएगी तो क्या होगा, कठिन तो वैसे ही नहीं करते, तो हमको कठिन तरीके से बन जाना चाहिए तो आसान तो वैसे बन जाएगा, समझ गए ना। चलो यहाँ ये समझ में आए इरेजर, उसके बाद हम इधर लाइन से देखते, ये होता है ब्रश टूल। ब्रश मतलब समझते कि नहीं, दांत घसने वाली नहीं, वो ब्रश जो पेंट एंट करते हैं ना। तो देखो ये है ना,
अब ये तो आप कलर कर दे रहे ब्रश के रूप में, तो कलर यहाँ से देखो कलर हो रहा है, पर कलर के बदले में आप जाओगे तो देखो ये डायमीटर तो पता चल गया, डायमीटर मतलब बड़ा छोटा कितना भाग में बनाना। नीचे आप जाकर देखो, चलो यहाँ घास उगाते इसके ऊपर अपन, अब घास उगाते, घास ऐसी कलर की रहती, ग्रीन रहती, ग्रीन रहती, ठीक है। तो ऐसे अपन अब देखो घास ऊपर उग गई, ठीक है, तो घास कहाँ उगना चाहिए, यहाँ। अब घास इतनी छोटी न रहकर कितनी रहेगी, बड़ी, तो इसका डायमीटर कर लो बड़ा, समझ गए, जितनी बड़ी घास। अब छोटी छोटी घास उगाना लॉन वाली, लॉन में देखे कि नहीं, इतनी इतनी सी रहती है। अब वो घास बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, सांप आप आ जाए वहां, ताफत हो जाए, ठीक है, तो कितनी रहती है, छोटी छोटी रहती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना किस हिसाब से। और जैसे देखो पत्ते वगैरह, अब पत्ते कैसे रहते हैं, पत्ते थोड़े से, अब गिरने वाले पत्ते हैं तो थोड़े कैसे रहेंगे, जले टाइप के, है ना, ये देखो ऐसे रहते हैं ना, ये देखो। तो आज तो बिल्कुल पूरा एक्सपेरिमेंट कर डालना, जितने भी टूल है, मतलब एक्सपेरिमेंट पूरा तो होगा नहीं, तो उनका अपन एक एक तरीके से फिर से जिसका डीपली उपयोग होगा वो देख लेंगे। तो यहाँ पे पेंसिल और ब्रश दोनों एक ही काम करती है, पेंसिल मतलब पेंसिल जैसे काम करेगी, परंतु उसके अंदर भी देखो आप डायमीटर जीरो कर दिया है तभी तो पेंसिल बनी। अगर पेंसिल भी अपने मतलब असली उसमें आ जाए तो वो भी तो ब्रश बन जाएगी, समझ गया ना। अब छोटी है तो पेंसिल बन गई, बड़ी है तो ब्रश बन जाएगी, तो ले देखे वही बात हो रही है। ये हिस्ट्री ब्रश होता है, अभी उपयोग नहीं करना, इसका उपयोग अपन ने देखे थे, है ना। चलो अपन अल्लू अर्जुन का काम अभी खत्म, इसको कर दो मिनिमाइज। मिनिमाइज कर दोगे देखो सभी इमेज एक साथ मतलब नीचे हो जाएगी, एक साथ ढेर सारी इमेज पर काम कर सकते। यहाँ कलर करना देखते, पेंट बकेट टूल सिंगल कलर करेगा, कंट्रोल जेड कर दो तो यहाँ पे जो ऊपर वाला टूल है ग्रेडियंट वो मल्टीपल कलर करेगा, पर वो क्लिक करने पे काम ना करता है, वो करता है खींचने पे, कैसे करता है खींचने पे, कहीं भी ड्रैग करो आप, देखो खींचोगे तो ही काम होगा। अभी कलर कौन सा आ रहा है, मल्टीपल, तो हम यहाँ जाकर इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं, जैसे इस कलर को लोगे तो वो कलर आ जाएगा, ये देखो आ रहा है मल्टीपल। तो एक से अधिक कलर किस ऑप्शन से आते हैं, ग्रेडियंट से, ठीक है। अब ये कलर हमारा खुद का भी बना सकते हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये होता है थोड़ा सा, चलो एक इमेज और ओपन करते हैं। अब कौन सी हीरोइन की फोटो निकाले जिसको गोरा करना है, हाँ काली कौन है बताओ, चलो वो तो पुट्टी कर लेते हैं, है ना, पुट्टी कर लेते तो हो ही जाते हैं, चलो इसी को निकालते और गोरा कर देंगे। पर ये इमेज कैसी आ रही है, बैप के रूप में, तो ये खुलेगी नहीं हमारी फोटोशॉप में, है ना। कोई सी निकाल लेते हैं, आपने क्या ऑप्शन देखना है, उसको और गोरा कर देंगे, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ डस्ट टूल जो है हमारा ये वाला, अब इसमें देखो ये राउंड जो आ रहा छोटा सा, वो रहता है कि नहीं, शादी के दिन ढेर सारे औजार हथियार रहते हैं जिसके में दुल्हन के चेहरे पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, करते कि नहीं, ढेर सारे रहते हैं, तो वो वाले औजार हथियार समझो, अभी औजार हथियार बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, मतलब एक बार में पूरे चेहरे पे बिल्कुल एक ठोके गया था, तो ऐसा होता है कि नहीं। और कई रहते छोटे छोटे बिल्कुल ऐसा धीरे 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 मेंटेन कर रहे, तो सिंपल सी बात है, हम इसको बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं। डायमीटर अगर आप चाहो तो एक बार में बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो हम अभी चाह रहे हैं, हमको ज्यादा पंचायत नहीं करना, एक बार में पूरा चेहरा, ये लो, है ना, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ गई, तो इससे ब्राइटनेस होती है। अब कोई ज्यादा ही वो हो गया है तो उसके लिए होता है बर्न टूल। अब बर्न टूल ना उपयोग करके आप जो है शिफ्ट का उपयोग करोगे, चलो पहले बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना, ये लो, है ना, अब ठीक है ना। तो मतलब ज्यादा ही जो बन गए, जैसे अंग्रेज लोग आ गए तो उनको क्या, कौन सा टूल से उपयोग करना पड़ेगा, बर्न, और अपने इधर के साउथ इंडियन वाले आ गए तो डस्ट टूल, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, खिलाफ। और एक और होता है स्पंज टूल, इसका उपयोग नहीं होता ज्यादातर, ठीक है, देखो हाँ मतलब कलर छीन लेगा, ठीक है। जैसे हमारे फेफड़े में वो देखे कि नहीं, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़े दिखाता उस मूवी में, सब बिल्कुल दबाते क्या निकलता है, पूरा मतलब जो अंदर मटेरियल है उसका वो निकलता है। तो सिंपल सी बात है, ये स्पंज देखो, है ना, अंदर का पूरा जो है मतलब दिखा रहा है। चलो अब टेक्स्ट टूल बताया था मैंने, टेक्स्ट टूल का काम क्या होता है, टेक्स्ट टूल का काम होता है कहीं भी लिखने के लिए। अब लिखने के लिए से मतलब
एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ्ट से राइट यूज कर सकते हैं, और एक होता है ऊपर से नीचे। जैसे आपने कोई आईटी कार्ड में देखा होगा साइड में लिखा रहता है ना, इनविटेशन लिखना है तो अपन एक INV ऐसा करके लिख सकते हैं। तो अपन पहले लिखते हैं हॉरिजॉन्टल, तो डायरेक्ट क्लिक करोगे तो वो अपनी इच्छा अनुसार चला जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट क्लिक करने की वजह हम क्या करते हैं, उसको इतना भाग में लिखना तो इतना भाग ही सिलेक्ट करते हैं, समझ गए। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो भी हमको लिखना है। अब हमको टेंशन नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि वो अब उसकी इच्छा अनुसार नहीं जाएगा, वो किसकी इच्छा अनुसार जाएगा, हमने जो सिलेक्ट किए हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट करना अच्छा है, नहीं तो आप ऑटोमेटिक क्लिक भी कर दोगे तो भी टाइप होगा और वो कहीं भी भागते रहेगा, फिर आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये मूव टूल का काम क्या था, इधर उधर, पर उसके लिए आपको लेयर सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप बैकग्राउंड पे, जैसे मान लो ये कुर्सी है, कुर्सी को उठा कहीं ले जाना था, हमको कुर्सी पहले पकड़ना पड़ेगा कि जमीन पकड़ोगे। तो अब देखो हमने जमीन पकड़ कर रखे और हम ले जाना चाहते कुर्सी को, तो वो क्या बोल रहा है, नहीं जमीन नहीं उठ सकती, नहीं उठ सकती है ना। आप फर्श को खरोच सकते हो पर उठा सकते हो क्या, नहीं। फर्श को खरोचने से मतलब इसका कलर बदल सकते हो, प्लास्टर कर सकते हो, टाइल्स लगा सकते हो, परंतु उसको उठा सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब जिस प्रकार फर्श लॉक होता है उसी प्रकार बैकग्राउंड भी लॉक होता है। तो हमको जिस लेयर पर काम करना उसको पकड़ना पड़ेगा, तभी वो इधर उधर मूव हो पाएगी। छोटा बड़ा करना है तो आपको ये ऑप्शन टिक कर लेना वहां पर, जब मूव टूल सेलेक्ट करोगे तो बाउंडिंग बॉक्स, तो ये राउंडेड आ गया आसपास। देखो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। आप ऊपर से छोटा कर सकते हो, देखो जितना चाहे उतना आप घुमा भी सकते हो, तो आप देख लेना। और जैसे ही आप काम करते हो तो एंटर की प्रेस करना ना भूले, ठीक है। मतलब हमने जो भी काम करे तो एंटर की दबा दो। उसके बाद एक और टूल होता है इसी का भाई होता है, क्लिक कर दोगे, और इसको भी आप जो है ऐसा क्लिक करना, कैसा, सेलेक्ट करके। तो आप देखो यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे मान लो कंप्यूटर लिखना, ये देखो एक एक कैरेक्टर, तो वर्टिकल मोड में लिखा, एक हॉरिजॉन्टल में लिखा था। तो आप देख लेना जहां भी इसकी जरूरत पड़ती है वो आप ले सकते हो, नहीं चाहिए तो आप डिलीट में जाओ, डिलीट में यहाँ पे लेयर के अंतर्गत, और यस हटा दो, ठीक है। चलो उसके बाद ये टूल अभी काम का नहीं है। ये होता है पेन टूल, पेन टूल मतलब होता है जैसे हमने ऊपर सेलेक्ट करे थे ना इमेज को, उसी प्रकार इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग हम बाद में देखेंगे। ये होता है कमेंट, देखे कि नहीं कमेंट, एमएस वर्ड में कमेंट का उपयोग क्या होता था, हम कोई चीज को भविष्य में भूल जाएंगे या किसी की पहचान के लिए हम उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख देते थे, कमेंट। अब वो कमेंट प्रिंट नहीं आती थी, आती थी कि नहीं, वो तो नॉट है पर्सनली कि भाई हम देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये नॉट है। नॉट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है लिख दो और एक होता है बोल दो। बोल दो से मतलब माइक लगाई है, यहाँ क्लिक करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे चलो नॉट करके दिखाता हूँ इसके बारे में, यहाँ अपन लिख देते हैं ये SITC, और जो बॉक्स दिख रहा है, एक मिनट, ये देखो मतलब क्या हो जा रहा है, गायब भी हो जा रहा है वो। अब ये नोट्स आते जा रही है, इनको नोट को क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते, यस इसको भी डिलीट कर दो, एक बची। देखो अब नोट का निशान वहां आ चुका है, पर वो प्रिंट आएगा क्या, पर हमको भविष्य में कभी देखना है तो हम ऐसे पॉइंटर लाकर उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हो गई एक प्रकार की कमेंट, इसमें इमेज में अगर हम चाहे तो हटा सकते हैं, राइट क्लिक करें, देखो डिलीट, क्लोज करोगे तो पैक हो जाएगी। उसी प्रकार आप बोल कर ला सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। ये होता है आई ड्रॉपर, या फिर इसको पिक कलर बोलते हैं। चलो बताओ मुझे यहाँ कौन सा कलर सेलेक्ट है, जो भी है ना, पर हम चाहते हैं यहाँ पे कोई कलर है, जैसे इस बैकग्राउंड में देखो इसमें, या फिर हमने अल्लू अर्जुन की फोटो निकाले थे यहाँ पे, इसके चेहरे का कलर कौन सा है वो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम इस जगह ले जाकर क्लिक करेंगे। देखो आ गया, यही कलर का रहता है ना चेहरे में पोतने वाला, रहता है कि नहीं, तभी तो मैच करेगा। हो सकता है हमने रेड पोत दिए तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएंगे। हो सकता है अपन ने दूसरा कलर पोत दिए, देखो ब्लू, तो मजा नहीं आएगी। तो इसलिए जो बनाने वाले रहे होंगे वो इस प्रकार से पिक किए होंगे, हाँ यही कलर है, जिसको हम ओवरलैपिंग, जैसे यहाँ चेहरा खिदड़ बिदड़ हो गया किसी का, तो उसको पोत के बिल्कुल देखे नहीं, सड़क पक्की सड़क बना देते हैं उस दिन, दूसरे दिन फिर मुंह धोलेंगे तो फिर कच्ची सड़क बन जाएगी। कच्ची मतलब डामर रोड भी आप देखोगे रास्ते में, तो वो भी देखोगे जूम करके देखो वाला, पर उसको जूम करके देखेंगे तो देखेगा, क्योंकि आपने देखो वहां पे बिछा दिए पूरा है ना, कारपेट भी बिछा दिए उसके ऊपर। तो ये समझ गए, आई ड्रॉपर टूल समझ में आया कि नहीं,
जो भी कलर आपको देखना है यहाँ पे कौन सा कलर है तो वो कलर यहाँ दिख जाता है। देखो लाइट कलर वही वाला यहाँ पे दूसरा था, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा जूम करने का, जूम इन जूम आउट, ये देखो प्लस करोगे तो बड़ा करके देख सकते हैं। अब ये बड़ी हो गई इमेज, तो इस हैंड टूल के माध्यम से हम ऐसे ऐसे देख सकते हैं भाई पिक्सल फटे तो नहीं है, है ना। जैसे कॉर्नर आपको देखना ना सही से कटा कि नहीं, ये देखो नहीं कटा सही से, तो वो इरेजर टूल लो फिर से, ये देखो मैजिक वाला, और इस प्रकार से ऐसे, समझ गए ना, ठीक है। तो अभी हमको टूल पूरे बताया नहीं हूँ मैंने, बस एक दर्शन कराया हूँ कि क्या क्या चीज़ है उसके अंदर। ऐसा मत सोचना कि बने ही जाएंगे, बस जितने बन रहा है उतने आप समेट लो, ठीक है। फिर आप एक दो दिन में अपन पूरे ख़त्म भी कर लेंगे। अभी परिचय हो गया है, परिचय के साथ साथ अपन जो है, चलो एक मैं दिखाई देता हूँ ना चमत्कार। अब पिंपल्स होते हैं तो पिंपल्स को हटाना देखते हैं, है ना। पिंपल्स ऑन फेस, अब फेस ही क्या हटाएंगे, देखो अब कौन से हटाए बता जरा। ये वाले हटाते, ये कम वाले हटा देते, ठीक है। पूरी खुल जान दो इमेज को, उसके बाद सेव करना, और सेव करने के बाद इसको सेव करें और उठाकर लाकर सीधे कहाँ छोड़ दो, फोटोशॉप में, ठीक है। चलो मैंने बताया था इस टूल से दोनों से हट जाते हैं, तो हम रेडीमेड हटाना देखते हैं। देखो अच्छा मुझे बताओ, ये जो पिंपल है, पिंपल वाली जगह में कैसा फेस आना चाहिए, इस प्रकार का, वही तो चाहते हैं हम। उसको एक नमूना बताना पड़ेगा ना कि भाई नहीं हमको इस प्रकार का चाहिए। तो आप हीलिंग ब्रश या चलो पहले पेज टूल का उपयोग करते हैं। पेज टूल में देखो वही सिलेक्शन का आएगा, तो आपको इस वाले भाग को क्या करना है, सिलेक्ट, देखो सिलेक्ट हो गया। आप कौन सी जगह का यहाँ लाना चाहते हो, सिंपल सी बात है, चेहरा बहुत सारा है, पर कहीं चेहरे में डार्कनेस है, कहीं लाइट है, कहीं चमक है, पर उसके आइट साइड जो है उसी के जैसा होगा, तो उस चीज को उठाकर उसके साइड में पटक दो, देखो कितना अच्छा। अब ये जो आ रहा है सिलेक्शन, इसको राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, हटाते हैं, और राइट क्लिक करके ना हटे तो कंट्रोल डी से हटा दिया करो। कंट्रोल डी मतलब डी सेलेक्ट, क्या होता है डी सेलेक्ट। अब इस वाले भाग को हटाना है, अब देखो जूम करोगे तभी और अच्छा रहेगा, तो इस वाले भाग को हटाओगे, देखो अब इस वाले भाग को कहाँ फेंकना चाहिए कि जहां से अच्छा आ जाए, उसकी थोड़ा ऊपर फेंक दो, देखो पता चल रहा है कि हमने हटाया। देखो कॉपी होकर आ रहा ना, जैसे सर्जरी करवाते कि नहीं, कई लोग दाग धब्बे कुछ हो जाते कहीं भी, तो अपने शरीर का ही कुछ भाग काट के वहां फिनिशिंग मार देते हैं, तो सिंपल सी बात वही काम हम भी कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे इसको उठाकर कहाँ फेंके जा रहा, किस जगह का यहाँ सही आएगा, यहाँ कहीं का, है ना, पता चल रहा है आपने उठाया ऐसा और दूसरी जगह ला कहीं और फेंक दी, ये देखो, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, इसको फेंकना वही है जहां का लाना चाहते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ ले जाकर छोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करना है, इकट्ठा काटने की कोशिश में वो और गड़बड़ हो जाएगा। अब बस अब पुट्टी कर दो, कर सकते कि नहीं, ये देखो ये भी दिख रहा है, पूरे हटा डालो ना, इसमें ऑलरेडी पुट्टी की गई है चेहरे में, इतना फिनिश कोई रोड रहती क्या, नहीं, इतने में तो स्लिप हो जाएगा व्यक्ति, बोल गाड़ी चलाते कि नहीं, अपन टायर में हमारा पूरा चिकना रहता है कि गोटी रहती है, रहती ना, किस लिए रहती गोटी, ताकि वो रोड में जो भी मतलब क्या बोलते हैं खुरदुड़ी जगह उसको पकड़ के चले, अगर वहाँ फिनिश ऑयल बिछा दो फिर देखो जरा कमाल, चिकना कर दोगे तो गाड़ी टिकेगी क्या, तो यहाँ पे इतना चिकना होना चाहिए क्या, भगवान ने भी नहीं बनाया इतना चिकना। आप वो लगा के देखो, माइक्रोस्कोप ही रहता है क्या, लगा के देखोगे तो इतने बड़े बड़े पर्वत पठार दिखेंगे अपने चेहरे में, बकायदा दिखेंगे, क्योंकि उसमें पतली सी चीजें दिख जाती हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं अपने हाथ में देखोगे बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, दूसरे दिन अपन हाथ को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए देखना ही मत, ठीक है, धुल लिया करो बस। तो समझ में आया, चलो इतनी चीज आपको करना है। अभी पहले मैं बता देता हूँ शुरू से क्या क्या करना है, अपन कल से क्या करेंगे, कल अपन वो खत्म कर देंगे, टूल बॉक्स आधा खत्म करेंगे, पूरा तो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले फोटोशॉप स्टार्ट करना बनना चाहिए, है ना, कैसे करोगे ये पता है, अगर बोला जाए फोटोशॉप के स्टार्ट कैसे करते, तो स्टार्ट बटन में गए, एडोब फोटोशॉप लिखे, इसको क्लिक करें, हमारे सामने फोटोशॉप की विंडो डिस्प्ले हो गई। यहाँ से न्यू इमेज बनाते, फाइल में न्यू में जाकर या कंट्रोल प्लस एन क्लिक करके इसको बना देना, इसको डिफाइन कर देना। अब डिफाइन इस हिसाब से करना है कि नंबर आए, जैसे 8 नंबर का आया तो आपको कैसा डिफाइन करना है कि 8 ही नंबर लाएगा। मैंने बताया था 3 पेज लिखना 8 नंबर में, 3 पेज मतलब 1 2 3, मतलब अल्टीपल्टी 3 पेज, और अगर 16 का आया तो 6 के ऊपर, समझ गए। तो वो मैंने सारी चीज बता दिया, तो आप उस हिसाब से, वो और एक बार बताऊंगा मैं एग्जाम के समय में, तो इसको उस हिसाब से ही लिखना, उसके बाद ओके करें, ये आ गया।
अब उसमें हमको अगर बोला जाता है बैकग्राउंड कलर कैसे करते हैं, तो आपको पता है बैकग्राउंड कलर के लिए हम टूल बॉक्स में जाते हैं, पेंट बकेट टूल पर क्लिक करते हैं, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की जी प्रेस करते हैं। हर एक की शॉर्टकट की है, ठीक है। तो जी हमने प्रेस करे तो हमारे पास कलर बॉक्स में से जो भी कलर चाहिए वो हमने ऐसा जो भी सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, ये देखो, और बीच में लाकर कहीं भी क्लिक करना, ये हो गया बैकग्राउंड कलर। कुछ लिखना है तो टेक्स्ट टूल का उपयोग बता दो, ठीक है। मूव टूल का उपयोग क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट या लेयर को सिलेक्ट करना और मूव करना, रोटेट करना, छोटा बड़ा करना, ये सारी चीजें। तो ये बेसिक चीजें हैं, अभी अपन ने सिर्फ एनवायरनमेंट देखे। अगर कोई चीज आपको ना मिले, लेयर तो पता है आपको सबसे बेसिक चीज है और रहने चाहिए, लेयर मतलब ये कुर्सी टेबल जो है वो अपने आप में लेयर, ये अगर ना मिले तो आपको कहाँ जाना है, विंडो में, लेयर में, है ना। यहाँ बहुत सारी चीज और होती है, तो वो उसका उपयोग करते करते हम देख लेंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज स्टाइल भी होती है, स्टाइल मतलब जो चीज है उसमें ऑटोमेटिक जैसे रहता है ना एमएस वर्ड में स्टाइल रहती है, वैसे रहती है यहाँ भी इमेज की। उसके अलावा देखो ब्रश वगैरह काम, कैरेक्टर आपका काम का है बहुत, है ना, एक्शन भी काम का है वो अपन देखेंगे। टूल हमारा ऑलरेडी शो हो रहा है, ऑप्शन भी, ऑप्शन मतलब ये जो ऊपर आ रहा है ना ये ऑप्शन बार है, अब ऑप्शन बार इसमें जिस भी टूल को अपन सेलेक्ट करेंगे कि नहीं उसकी वैरायटी दिखाएगा। देखो जैसे मान लो हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करे, देखो टेक्स्ट टूल की दिखा रहा, तो आप समझ गए ना ये, चलो इसका उपयोग अच्छे से कर लो।